चेयरमैन बीटीआई इमरान खान का कहना है कि मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दें, मुझे क्या डरा रहे हैं। नवाज शरीफ को उनके हलके में हराने का चैलेंज भी दे दिया, कहा कि लंदन में भगोड़ा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मेडिकल रिपोर्ट में भी धांधली की और बाहर गए। लॉन्ग मार्च के शुरुआत से खिताब में बोले कि आसिफ अली जरदारी के पीछे सिंध आ रहा हूँ, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हट जाने के लिए अदालत जाऊंगा। बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे। ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। और सुन लो, हम इमरान खान की जीना मरना पाकिस्तान में, शरीफ खानदान का घर का पालतू नौकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो लहजा मेरे पे केस कर रहे हैं, उसको तो खैर मैंने अदालत के अंदर लेके जाना है और 10 अरब का हर्जाना करूंगा इसके इस बदनीयत आदमी के खिलाफ। ये सारे मिलके एक इनका मकसद है कि किसी तरह ये चोर ऊपर मुसल्लत हो जाए। जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो, मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारे हलके में जाके तुम्हें हराऊंगा। और जरदारी, तुम और तुम्हारा देसी वलैती बेटा तो अंग्रेज की तरह उर्दू बोलता है, बारिश आता है तो पानी आता है, मुझे जरा इधर से फारिग होने दो, तुम्हारे पीछे मैं सुन रहा हूँ।